जो बेटी है वो अभी सिर्फ 4 साल की है, 80,000 फॉलोअर्स कोई कम फॉलोअर्स नहीं होते हैं, तो ये कैसे हो गया? मधिया ने हुरैन के साथ आई थिंक एक वीडियो पोस्ट की थी जिसकी वजह से जो है हुरैन को लोग जानते हैं और मुझे दूर से देख के बोलते हैं वो देखो हुरैन की मम्मा। किसी दिन आउटफिट अगर मैंने मधिया का पहन लिया ना तो उस पर बहुत कमेंट्स आने लग जाते हैं। मधिया के कपड़े पहन लिए, मधिया से मांग के, अरे भाई बहन है मेरी। नेगेटिव कमेंट्स आते थे ना तो मैं कभी कभी ना पढ़ के रो भी जाती थी, आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मतलब क्यों, मतलब मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी है। ओह नाइस। Sunset presents Girls Only. So today we are going to try luck. Well, not my luck, my hairstylist's luck. आज मेरे पास एक डाइस है, इस डाइस को मैं करूंगी रोल और जो भी नंबर आएगा माय हेयर स्टाइलिस्ट विल क्रिएट अ लुक विद एज मेनी स्टेप्स। तो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है साइमा, मुझे साइमा की आज मदद करनी थी, तो आई वॉश माय हेयर विद सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग ताकि मेरे खूबसूरत ब्यूटीफुल और थिक बालों में वो कोई भी हेयर लुक आराम से बना सके। नाउ इट्स टाइम टू रोल एंड वेलकम साइमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो साइमा आज हम आपकी लव टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? सो यू वांट टू रोल द डाइस? नो यू आई आई शुड, ठीक है? ओके, साइमा की किस्मत अब मेरे हाथों में है। ऑलराइट, 4। ओके, सो यू हैव टू क्रिएट अ हेयर स्टाइल विद 4 स्टेप्स। ओके, ठीक है। वैसे दिमाग में क्या आता है कि क्या सोच रहे हो कि क्या ऐसा बना सकते हो जो 4 स्टेप्स में बन जाए? आई थिंक हाई पोनी एंड विद अ बो। Yeah. Okay. High pony with a bow. Yeah. All right. So we have ribbons over here. Yeah. हमारे orange है, blue है, we have baby pink. तो आप कौन सा color choose करना चाहोगे? I think we like pink, right? We love pink. Yeah. So I think we should go for pink. We can go for pink. All right. So मुझे वैसे अभी तक इतनी clarity नहीं है कि कौन सा hairstyle बनने वाला है, but I trust Saima. So this hairstyle is going to be created in exact 4 steps. Okay. Okay. Your time starts now. आपने मेरे बाल खोल दिए जी। सेकंड स्टेप वाज कि आपने मेरे हाई पोनी बनाई। यस। थर्ड स्टेप इसके बाद रिबन उसको कर रहे हो। यस। एंड द फोर्थ वन एंड मेक अ बो। फोर्थ वन इज मेक अ बो। या। ओह ओके। वेरी स्मार्ट। आई कैन नेवर इमेजिन कि बाल खोलना कैन बी अ स्टेप। यू आर सो स्मार्ट साइमा। आर यू डन? यस। लेट मी क्लिक द पिक्चर एंड यू कैन सी। There you go. Wow, Saima, I absolutely love it. Yeah. And the most fantastic thing about this hair look is ki maine kabhi socha nahi tha ki ek ribbon ko aap itne, you know, creative tarah se reuse kar sakte. I like the bow, man. I love the bow. And in exact 4 steps. और सबसे बड़ी जो चलाकी साइमा ने की है वो ये की है कि बाल खोलना वाज आल्सो अ स्टेप इन दिस हेयर लुक। लाइक बाल तो खुलेंगे अगर कुछ बनना होगा। बट यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब साइमा, थैंक यू सो मच। इट वाज ऑलवेज लवली बीइंग विद यू एंड यू नो सीइंग यू क्रिएट दिस लुक्स। एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट आवर गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी नाल्ताफ। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गर्ल्स ओनली। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाती हैं और माशाल्लाह शी इज़ अ मदर ऑफ 2 kids। 1 is a 4-year-old और अभी एक रिसेंटली माशाल्लाह हुआ है। तो उनसे पूछेंगे कि 4 साल के पहले की ज़िंदगी कैसी थी और अब जो कंटेंट प्रोड्यूस करना है वो कैसा है। ये मैंने पाकिस्तान में खास तौर पर बड़ा ऐसा नहीं देखा, ये मेरे लिए बड़ा एक यू नो न्यू चीज़ थी देखना
के वालदा भी कंटेंट क्रिएटर हैं और माशाल्लाह जो बेटी है जो 4 साल की उसका भी अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और उस पर भी 80,000 फॉलोअर्स हैं. सो ओ माय गॉड ये सब कुछ कैसे हुआ. सो हमारे साथ है नन अदर देन दरक्षा खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे सोचा कि यार मुझे बेटी का अकाउंट बनाना है, ये क्या मतलब थॉट कैसे मुझे आया? एक्चुअली शुरू से शौक था. मैं बाहर की वीडियोज देखती थी तो वहाँ के पेरेंट्स मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज्यादा वो रखते हैं कि हर चीज में. मुझे बहुत शौक था कि बच्चों का एड होना चाहिए. मैं अपने कजन्स के पीछे भी लगी रहती थी लेकिन जब हुरैन हुई तो मैं हुरैन को इधर उधर लेके बहुत भागी कि उसका भी कोई एडवर्टाइजमेंट हो, उसकी भी कोई एड्स चले, पैम्पर के एड में ही आ जाए, कहीं तो कुछ हो. ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज बनाती थी तो साथ उसको भी लेकर खड़ी हो जाती थी कि यार मेरे साथ वीडियो बनाए वो. क्योंकि मुझे खुद शौक था कि उसको भी सब जाने देखें. ये तो मतलब ऑब्वियसली क्योंकि मैं भी इस तरह की वीडियोस बहुत देखती हूँ बच्चों की तो मुझे भी खुद बहुत मज़ा आता है सब देखने में. लेकिन एक 4 साल के बच्चे का जहन उसको समझना, वो रो रहा है, वो चिड़चिड़ा, उसको भूख लग रही है, ये तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है. इसके एक्चुअली ऐसा ही होता था कि बैग एक साथ होता था, चिप्स ड्रिंक्स सारी चीज़ें साथ होती थी. हुरैन जहाँ रोई वहाँ मैं फोटोग्राफर को बोलती थी यार थोड़ा सा वेट कर लें और फिर मैं वहाँ पे हुरैन को आधा घंटा चुप कराती थी, प्यार करती थी. तो मैं उसको फ़ोन की थोड़ी सी लालच देती थी कि मैं फ़ोन आपको दे दूँगी, आप प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं आपको चिप्स लाऊँगी. तो उस तरह करके थोड़ी थोड़ी मान जाती थी और फिर कर करके इस तरह वो माशाल्लाह आज 4.5 साल की हो गई है. तो अभी थोड़ा मैंने स्टॉप किया हुआ है, तकरीबन 2 मंथ्स हो गए, 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन वो माशाल्लाह रहती है, एक्टिव रहती है माशाल्लाह. लेकिन ये जितना आसान लग रहा है ना दरक्षा, आप जितना आसानी से बता रहे हो कि मैं उसको थोड़ा सा लालच देती थी, ये करती थी, आई एम श्योर कि जब आप मतलब होते होगे सिचुएशन में आप कहते हो कि ओ हो बड़ा मुश्किल है यार ये तो. बहुत मुश्किल है. और गर्मी में शूट्स करते थे हम लोग, मेरे साथ वो बच्ची जो है मेरे साथ, उसने बहुत मेहनत की है. वाओ. अच्छा बेटी का नाम क्या है आपकी? हुरैन. हुरैन हुरैन कितने साल की थी जब वो सेट पे गई थी? हुरैन थी, हुरैन को पहले तो मैं 5 मंथ्स में लेकर गई थी, उनका शूट करवाया था. अच्छा वो जो आप जो न्यूबॉर्न टैलेंट एजेंसी लेकर गई. अच्छा ओके ओके. वहाँ मैं लेकर गई थी, फिर उसके बाद जब वो 1 साल की हो गई तब 1 साल से मैंने प्रॉपर जो है ना उनके साथ शुरू किया है. ओ माई गॉड. और बनाए मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो यही कहते रहते हैं अभी छोटा है ना, अभी 2 साल का, अभी 3 साल का ना, अभी छोटा है ना. तो दरक्षा ने कहा कि नहीं मैं 5 मंथ्स में आप लेके गए. ठीक है. अच्छा दरक्षा आपके हस्बैंड ने नहीं बोला कि क्यों दरक्षा खुद भी कंटेंट बना रही हो, खुद भी थक रही हो, क्यों करना है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था? मेरे हस्बैंड तो पहले तो मुझे भी कहते थे कि क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों, अपनी तुम लाइफ पे ध्यान दो, अपनी जो शादीशुदा लाइफ है. तो मैं कहती थी मुझे पसंद है, मेरा मतलब मुझे शौक है. तो फिर उन्होंने भी देखा कि अगर शौक है तो करे. तो मैं अपना करती थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा. फिर जब मैं हुरैन को ले जाने लगी तो हुरैन को एक तो मजबूरी भी होती थी, मेरी सास जो है थोड़ा सा एज उनकी इतनी हो गई थी कि मैं बच्ची उनके ऊपर नहीं छोड़ के जा सकती थी. तो मैं कहती थी मेरे साथ ही जा रही है तो वो क्यों ना फिर मेरे साथ अगर रह रही है तो मैं उसको स्टडीज भी साथ साथ उसकी घर पर कवर करवाती थी और फिर मैं साथ साथ उसको ये शूट भी. हस्बैंड मना करते थे लेकिन उनको भी कन्विंस किया, टाइम लगा, ऐसा नहीं है. तो हुरैन की अलग से होम स्कूलिंग आप घर पे भी करते थे? घर पे भी करती थी. फिर शूट पे भी जाते थे? आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. ये सारी चीजें मैनेज करना आसान बहुत नहीं है, वेरी सीरियस नोट आसान नहीं है. क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद हर यू नो लड़की एक एक साल दो दो साल का ब्रेक ले लेती जाती है. हाँ, भूल जाती है. मेरी इवन फ्रेंड्स हैं, मेरी कितनी क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत कहती थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लेकिन उनका पता पता नहीं है. हाँ. शादी के बाद लोग कॉन्टेक्ट में भी रहते लेकिन मैं लेकिन मेरा है थोड़ा सा कि ये अच्छा बोला शादी के बाद लोग कॉन्टेक्ट में ही नहीं रहते, गायब हो जाते हैं. क्योंकि उनकी लाइफ ही बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है मेरी लाइफ में, ऐसा है सबकी लाइफ में होता है लेकिन वो मैनेज, जिसको शौक होता है वो कर लेता है. मैंने भी बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया घर वालों को, ऐसा नहीं है. घर वालों को भी और ससुराल वालों को भी. अच्छा दरक्षा मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगी, ठीक है जी, उसके आपने देने हैं जवाब. पहला सवाल है अगर किसी इन्फ्लुएंसर का वार्डरोब आपको चुराना हो तो आप किसका चुराना चाहेंगी, या फिर आपको चाहिए तो आप किसका लेना चाहेंगी, सारा का सारे सारे कपड़े जूते बैग्स हर चीज? रुमैसा मीरब या फिर आयशा शाहवीर? रुमैसा मीरब. हाँ एक किसी एक का नाम लेना है, किसका सारा वार्डरोब बोलोगी कि यार बस ही मुझे दे दो मैं जा रही हूँ लेके? रुमैसा का वेस्टर्न आउटफिट बहुत अच्छा है. रुमैसा के वेस्टर्न आउटफिट्स. आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे बूस्ट कौन लगवाता है, सिस्ट्रोलॉजी, कशफ अंसारी, जरना फातिमा?
कश्यप तो मेरी दोस्त है, मुझे पता है। लगता है, लगता किसी का नहीं है। लगता किसी का नहीं, नहीं है ओके okay. ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर लगता है कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर है ये इसकी लक बड़ी जबरदस्त है? हफ्सा दानानीर या फिर हमना समोसी? दानानीर की आपको लगता है कि लक बड़ी जबरदस्त है। ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिससे आप चाहेंगी कि आपको अपनी जिंदगी एक्सचेंज करनी है? ठीक है, अभी हम बेटा बेटी को हम करेंगे एक्सक्लूड इसमें, ठीक है, हर चीज आपकी एज एन इंडिविजुअल लाइफ किससे एक्सचेंज करना चाहेंगी कि यार तुम मेरी जिंदगी लो, अपनी जिंदगी मुझे दे दो? कंवल, वाले नजीब या फिर लाइबा खान? लाइबा खान एक्टर। लाइबा खान एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर। मैं किसी को मतलब इतना वो हाँ, मतलब लाइबा से है। उसके अलावा आपने और कौन से नाम लिए? कंवल एंड वालिया नजीब। कंवल आफ्ताब। कंवल आफ्ताब। वालिया। वालिया नजीब के साथ अपनी जिंदगी एक्सचेंज करना चाहेंगी। ऑलराइट। अच्छा, सोशल मीडिया आने से पहले या इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप शादी से पहले आप कर रहे थे या शादी के बाद एक्टिव हुए हो? शादी से पहले मैं म्यूजिकली था और डब स्मैश था। अच्छा, चलो वहाँ से शुरू करते हैं फिर कहानी कि पहली वीडियो कौन सी डाली थी, उसका कंटेंट क्या था? उस वक्त ये था कि डब स्मैश मुझे बहुत लाइक डब स्मैश का दौर था, तो डब स्मैश बनाती थी। फिर वो म्यूजिकली आया, फिर म्यूजिकली से जब वो टिकटॉक हुआ है तो बस टिकटॉक पे ही मुझे वहाँ से शौक चढ़ा। लेकिन हाँ, मैं टिकटॉक पे वायरल नहीं हुई। ओके। मैंने टिकटॉक पे बहुत मेहनत की और आज भी मेरे तकरीबन 600 के टोटल फॉलोअर्स लाइक हुए नहीं है अभी भी। मैंने वहाँ पे बहुत टाइम लगाया लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम से, मुझे लोग अगर जानते हैं तो इंस्टाग्राम और मदीहा के थ्रू और ज़्यादा हुरैन के थ्रू, क्योंकि मदीहा ने हुरैन के साथ आई थिंक एक वीडियो पोस्ट की थी जिसकी वजह से जो है हुरैन को लोग जानते हैं और मुझे दूर से देख के बोलते हैं वो देखो हुरैन की मम्मा। क्यूट। मेरी अपनी कोई पहचान है नहीं, मुझे ये खुशी होती है कि हुरैन को लोग देख के बोलते हैं वो देखो हुरैन, लिटिल हुरैन खान जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज व्हाट यू वांटेड, राइट? मैं यही चाहती थी और एग्जैक्टली वही हुआ। अच्छा, यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट बना के अपलोड करते हो आप? यूट्यूब पे मैं मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा बोला कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करें हम, क्योंकि लोग हुरैन को देखना चाहते हैं। तो डेली व्लॉगिंग मैं कर नहीं सकती, बहुत मुश्किल काम मेरे लिए, क्योंकि मैं एक हुरैन का अकाउंट संभालती हूँ, एक मैं अपना अकाउंट संभालती हूँ, फिर मेरा यूट्यूब, फिर मेरा टिकटॉक, फिर मेरा घर भी है, फिर हाँ, बच्चे भी हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। शौहर को भूल गई आप? शौहर भी तो है, शौहर घर में ही आ जाता है। मैंने इसलिए बोला है कि घर भी देखना पड़ता है। ओके। तो ये सारी चीजें मैनेज करती हूँ, तो इस तरह से डेली व्लॉगिंग नहीं करती। लेकिन ये है कि व्लॉग अगर डालती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप हुरैन को डालें, और मेरा व्लॉग अगर चल रहा है तो वो हुरैन की वजह से चल रहा है। वाओ। क्योंकि लोग उसको देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं देखना कि वो हुरैन की जिंदगी में चल क्या रहा है। हुरैन की बातें बहुत पसंद है असल में। जबरदस्त। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपका मोस्टली कंटेंट होता है ऑल अबाउट लाइफस्टाइल एंड फैशन, तो फैशन का जो इंटरेस्ट है कि अप टू डेट रहना है, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, बैग्स, ज्वेलरी, मेकअप, इसका कब पता चला किस एज में कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट में, अच्छे लगने वाले डिपार्टमेंट में? यार ये तो शौक मुझे शुरू से ही था, बचपन से। मतलब ये शौक शुरू से सब लड़कियों को ज्यादातर होता है, कुछ लड़कियां होती हैं जो थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को शौक होता है। लेकिन ऐसा था कि मैंने जब टिकटॉक भाई म्यूजिकली जब मैंने स्टार्ट किया है, तो उसके बाद जब वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने ऐसी इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक कर दिया। वहाँ मैं जब दूसरों की वीडियोस देखती थी ना, तो मुझे बड़ा होता था यार मैं भी ऐसे करूँ ऐसे करूँ। उस वक्त परमिशन भी नहीं होती थी और सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि कैसे करनी है क्या है। फिर वो करते करते एक बार काम आया, एक बार शूट किया, दूसरी बार शूट किया, फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। वो बढ़ता गया तो बस वो फिर शौक भी बढ़ता गया। फिर चीज़ें अब ये होता है कि वो एक आउटफिट एक बार पहन लिया जाए तो ऑब्वियसली हमारे इंस्टाग्राम के जो देखने वाले होते हैं वो भी पसंद नहीं करते, ऑब्वियसली उनको नई चीज़ चाहिए। वो अगर हमें देख रहे हैं, हमारा कंटेंट देख रहे हैं, तो उनको हर चीज़ न्यू चाहिए, तो उनके लिए ही हम कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। सही है। अच्छा दरक्षा, ये मैंने ना ज़्यादातर उन इन्फ्लुएंसर से ही सवाल पूछा है जिन्होंने जो फैशन और कपड़े जिनका टारगेट ऑडियंस है, जिनको दिखाने होते हैं कि ना आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, ये मिक्स एंड मैच करके अच्छा कॉम्बो बन जाएगा। तो मेरे पास ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आए जो कि फैशन को ही टारगेट करते हैं, उन्होंने कहा कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ को एक ही दफ़ा पहनो, एक चीज़ को आप तीन चार दफ़ा से पहनो, अलग तरीके से पहनो, ताकि वो मैंने और... भी पहना, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं कह रही कि मैं नहीं पहनती, मैं भी पहनती हूँ, और लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार
3 बार 3 या 4 बहुत भी मैक्सिमम हो गया मैक्सिमम तो. हाँ. 4 बस हाँ. उसके बाद लोग कहते हैं कि यार पुराने कपड़े पहन लिए. अच्छा इवन ऐसा होता है कि मदिहा और मेरा ये होता है हम लोग मैचिंग आउटफिट ज्यादा पसंद करते हैं कि ट्विन्स ट्विनिंग आउटफिट. हम लोगों को लोग समझते हैं कि हम ट्विन्स हैं. ओके हम लोगों को वैसे अगर हुरैन और वो ना देखा जाए एज का पता ना हो ना तो हमें कहते हैं ट्विन्स हैं. लेकिन कोई कहता है कि मैं बड़ी हूँ. अब लोग हम लोगों को अगर पसंद करते ना तो मदिहा जब अनमैरिड थी तो लोग यही कहते थे कि आप लोग ट्विन्स वाली वीडियोस बनाएं आप लोग क्योंकि और हम लोगों ने बनाई भी है क्रिएट भी किया है तो लोग पसंद ही यही करते थे. अब ये है कि किसी दिन आउटफिट अगर मैंने मदिहा का पहन लिया ना तो उस पर बहुत कमेंट्स आने लग जाते थे. अच्छा लो फौरन पहचान जाते मदिहा के कपड़े पहन लिए. हाँ. मदिहा के कपड़े पहन लिए. मदिहा से मांग के अरे भाई बहन है मेरी वो भी मुझसे मांग के नए कपड़े पहनती है. हाँ. मैं भी पहनती हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है. और अगर पुराने कपड़े रिपीट कर लो तो लोग उस चीज को भी पॉइंट आउट करते हैं. हाँ. पॉइंट आउट करते हैं कि इतने पुराने कपड़े पहन लिए ऐसे पहन लिए ऐसी लग रही हो. खैर ये चीजें तो ये तो पार्ट ऑफ हाँ आपकी पार्ट ऑफ वर्क है पार्ट ऑफ जॉब है. अच्छा दरक्षा उसके अलावा मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करना पसंद है दरक्षा को कि यार ये जो चीज़ है कपड़े हो जाए फॉर एग्जांपल या मेकअप या इक्विपमेंट जिसके थ्रू आप चीज़ें शूट करते हो या ट्रैवलिंग ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे आप कहते हो इस पे पैसे खर्च होंगे. मैं कहती हूँ मेरे पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है ले लिया है माशाल्लाह. बस उससे शूटिंग होती है. बाकी ये है कि अब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी शॉपिंग के बजाय मैं हुरैन और हनान तो अभी आया है. हाँ. लेकिन हुरैन की शॉपिंग करना पसंद करती हूँ मैं अपने पता नहीं मुझे शायद अपने में अब वो बात नहीं रही जैसे मैं करती थी. लेकिन ज्यादातर यही होता है कि हुरैन के कपड़े ले लो हुरैन के लिए कपड़े जूते हुरैन के बहुत मतलब मुझे बहुत शौक है. ऑलराइट अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी पिक एनीवन एज क्विक एज पॉसिबल ठीक है आपने जल्दी से सोच के बताने के कौन हो सकता है. फेवरेट इन्फ्लुएंसर मेरी बहन डॉक्टर मदिहा. अगर डॉक्टर मदिहा ना हो फिर कौन है फेवरेट. इतना सोच के बहन का नाम लिया है. अच्छा अगर डॉक्टर मदिहा ना हो तो फिर कौन है फेवरेट इन्फ्लुएंसर. हुरैन का नाम भी हम नहीं लेंगे इन्फ्लुएंसर. हाँ कोई भी इंस्टाग्राम को लारे ऑल राइट. क्रेजी इन्फ्लुएंसर कौन लगता है कि यार इसका कॉन्टेंट तो क्रेजी है. Crazy, कौन सा वाला crazy? Crazy, अच्छा वाला crazy, क्या? This is crazy. रुमैसा. ऐसा कौन सा influencer जिसको देख के आप कहते हो यार इसने बहुत मेहनत की है जो ब्रांड जो चीज जो कुछ उनकी तरफ आ रहा है वो बहुत डिजर्विंग है. डिजर्विंग इन्फ्लुएंसर कौन लगता है कि आपको कौन है. मानू शेख. आपको ऐसा क्या लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर कौन सा है जिसकी सर से पैर तक हर चीज बहुत महंगी है. एक्सपेंसिव इन्फ्लुएंसर कोई तो होगा यार कोई तो होगा. नाम नहीं आ रहा शायद मुझे कोई याद नहीं आ रहा. ओके अच्छा सोशल मीडिया की एक अच्छी साइड है जिस पर आपको बहुत सारी तारीफें सुनने को मिलती है पर सोशल मीडिया की एक डार्क साइड है जो कि आप कभी कभार कहते हो कि उफ यार क्यों मतलब इतना बुली और इतना ट्रोल क्यों करना है. डील कैसे करते हो उन सारी चीज़ों को. पहले मैं ऐसे करती थी कि नेगेटिव कॉमेंट्स आते थे ना तो मैं कभी कभी ना पढ़ के रो भी जाती थी आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मतलब क्यों मतलब मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी है. और कभी कभी लोग बहुत हार्श ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत ज़्यादा तो कभी कभी ऐसा होता था. लेकिन अब ऐसा होता है कि जो कमेंट करता है ना वो कमेंट में पहले मैं डिलीट भी कर देती थी कमेंट्स ना. हाँ. अब मैं कमेंट डिलीट नहीं करती पहले तो मैं उसकी प्रोफाइल देखती हूँ. हाँ. सही है. Okay. पहले मैं उसकी प्रोफाइल देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको अपने ही पिक्चर के नीचे जो उसने कमेंट किया होता है ना. हाँ. उसका रिप्लाई उसी पे दे देती हूँ. मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुम क्यों कमेंट पे रिप्लाई करती हो. मैं कहती हूँ क्यों मुझे मतलब मुझे क्यों कोई कुछ कह रहा है. अच्छा नहीं मैं समझी नहीं आप उसका मैं उनको उनका रिप्लाई कर देती हूँ जो उन्होंने अगर मेरे बारे में कुछ कहा होता है ना. हाँ. तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ. अच्छा, मतलब, रिप्लाई करते हो. ओके. आप कौन होती हो बोलने वाली मतलब. हाँ. मैं उनसे ना मजाक उड़ाकर बात करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बदतमीजी करूंगी. मैं उनसे हंस के बात करती हूँ लेकिन मैं हंस के उनसे जो ना बदतमीजी भी कर देती हूँ. यार ये कॉन्फिडेंस मुझे भी जिंदगी में चाहिए. मुझसे ऐसा पहले होता नहीं था. हाँ. लेकिन मैं अब कर देती हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. मैं कहती हूँ मैं क्यों बिला वजह अपने सर पे सवाल करूँ. मैं रिप्लाई करती हूँ और हंस के बदतमीजी भी हो गई हंस भी गई खत्म हो गई. बदतमीजी भी हो गई हंस भी गए काम भी हो गया. ओके दरक्षा क्या कहोगे कि यार जो भी आपकी ऑडियंस है
कोई कहता है ना कि कभी कभार आपको अपनी ऑडियंस को समझाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें कि यार ये ऐसे नहीं है, ऐसा है, ये वैसे नहीं है, ऐसा है. कभी ऐसा है कि अपनी ऑडियंस को किसी चीज़ की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी हो, या एक्सप्लेनेशन कभी दी हो और आप कहो कि यार अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली. कोई भी सिचुएशन हुई हो, यूट्यूब पे हुई हो, इंस्टाग्राम पे हुई हो, ऐसा हुआ है कि जैसे एक इवेंट प्लानर थी अभी रिसेंटली बात बताती हूँ, जिनके साथ ना उन्होंने मुझसे कोलैबोरेशन का कहा. कोलैबोरेशन क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है ऑब्वियसली. तो उन्होंने मुझसे कहा, अभी लोग ना उसमें ब्लॉगर्स जो होती हैं तकरीबन वो उस चीज़ में बहुत वो होती हैं, शर्मिंदा होती हैं कि मतलब कोलैबोरेशन की बात की है हमने और ये चीज़ पब्लिकली जा रही है, बहुत बुरी बात है. तो उस चीज़ को बुरा नहीं लेना चाहिए. एक तो ये कि आपने अपना अगर ब्लॉग बनाया है ना तो बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है. आपने अगर अपने 4 साल पहले आपने फ्री में काम किया है, अब आपने जो फ्री में काम किया ना अब आप उसका ले रहे हो, ठीक है. दिस इज जस्ट लाइक बिजनेस. बिल्कुल. पहले इन्वेस्ट करते हो, अब उससे आप उससे आप कमा रहे हो. तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत काम ऐसा हुआ है कि फ्री में किया है, लो बजट पे किया है. क्या पर आउटफिट 1000 रुपीज? मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ऐसा है. बिल्कुल आपको अपने आप वो करना पड़ता है. तो स्टार्टिंग ऐसे ही की, तो अब जाकर अगर ब्लॉग बनाए तो अब आप एक तो ब्लॉग आप उससे बार्टर सिस्टम की बात करियो, कोलैबोरेशन की बात करियो कि मेरा एक्चुअली होना था जेंडर रिवील, मुझे जेंडर रिवील का वो करना था इवेंट. तो उस पर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं इवेंट प्लानर ढूंढ रही हूँ. तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया, वहाँ से बात शुरू हुई. होते होते ना उन्होंने मुझसे मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे से बात की और क्लोज फ्रेंड्स में जाकर स्टोरी लगा दी के प्रोफेशनल भिखारी. व्हाट? यस, उन्होंने प्रोफेशनल भिखारी लिख के ना यूँ लगा दिया. तो मैं अच्छा उन्हीं के जो फैमिली फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स, उनमें से ही किसी एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा. एक नहीं, 4 से 5 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा और मेरे रिक्वेस्ट पे मैसेजेस आए हुए थे कि देखें आपके साथ जो है ना ये हुआ है, इन्होंने क्लोज फ्रेंड्स में ना आपके बारे में ये लिखा हुआ है. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं खामोशी से स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उनसे बोला कि व्हाट्स दिस, ये क्या है. तो उन्होंने मुझसे आगे से बोला कि आपको किसने भेजा, मतलब सॉरी होने के बजाय पूछ रहे हैं कि मुझसे कह रही है. हाँ, मुझसे कह रही है कि वो मेरी एज की लड़की थी, वो कहती है कि आपको किसने भेजा, ये मेरा जो है पर्सनल स्पेस है, मैंने अपने पर्सनल पे पोस्ट किया है, तो ये मेरा. मैंने कहा आपने मेरे बारे में पोस्ट किया है, आप होती कौन है इस तरह से पोस्टिंग करने वाली. एक तो आप खुद मैसेज कर रहे हो, ठीक है. उस पर अच्छा इन्होंने मुझसे कहा कि मैं ना लाइक बिल्कुल बार्टर नहीं कर सकती, आप ना कन्वेंस पे कर देना. मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे करवाना है, मुझे मेरा इवेंट करवाना है. मैंने कहा ओके, मैं पे भी करना पड़े मुझे मसला नहीं है. तो नहीं, और दरक्षा दिस इज योर राइट. आपने अपनी इंस्टा स्टोरी पे ये नहीं कहा था कि बार्टर सिस्टम पे करना है, आपने एक रैंडम पोस्ट किया कि मुझे इवेंट प्लानर चाहिए. Exactly. आप थे हु वाज ईगर कि मैं बार्टर सिस्टम पे करना चाहूंगी. अच्छा, फिर ये मामला फिर सारा खत्म कैसे तो हुआ? वो करते करते ना ये बात बस इतनी हुई, तो मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, जस्ट मैंने एक स्टोरी लगाई कि नॉट रिकमेंडेड. वही आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से वही पोस्ट एक बहुत मैंने सिर्फ नॉट रिकमेंडेड बना. मैं चाहती तो मैं उनके स्क्रीनशॉट शेयर करती कि मुझसे व्हाट्सएप पे सही बात करके, और तकरीबन 20 मिनट्स में वो स्टोरी लग गई. तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैंने उस लड़की के साथ बहुत तरीके से बात की, ऐसा नहीं है. मैंने बस नॉट रिकमेंडेड किया, तो उसके बाद उस लड़की ने पब्लिकली वो स्ले ऑल डे आई थिंक पेज है फेसबुक पे लड़कियों का है, गर्ल्स का है, तो वहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग कर दी, पता नहीं कहाँ कहाँ इंस्टाग्राम पे पब्लिकली. उनका अकाउंट कुछ भी नहीं था, उन्होंने लड़कियों से कह के मतलब लड़कियों से, ये नहीं ब्लॉगर्स वगैरह, उन्होंने सबसे कहकर पोस्टिंग करवा दी मेरे खिलाफ ना, कि मतलब इस तरह से इन्होंने ऐसे किया. मैं सब देखती रही. मैंने उनसे बोला ये आप कर क्या रही हैं, आप मुझे बता चाह क्या रही हैं. आप अगर चाह रही हैं कि मैं क्योंकि ये एक सोशल मीडिया वॉर शुरू हो जाए. हाँ, मैंने कहा अगर आप लड़ाई करना चाह रही हैं तो लड़ाई में मैं आपसे ज्यादा अच्छी हूँ, फिर मैं जीत जाऊंगी. हाँ. मैं 10 लोगों से 10 इन्फ्लुएंसर से मैं आपका अकाउंट रिपोर्ट करवाऊंगी, आपका काम बंद हो जाएगा. हाँ. मैंने कहा मैं ऐसा मेरी नेचर में अगर होता ना तो मैं फर्स्टली आपका ये काम करती, ये करती मैं. मैंने कहा मैंने अगर आपके साथ ये अगर नॉट रिकमेंड किया ना तो आप मुझसे उस पर एक्सक्यूज कर लेती ना, मेरे लिए यही बहुत होता. तो व्हाट्सएप पे मुझे जाके बोलती है सॉरी, मेरी इंटेंशन नहीं थी और ऐसा था, मैं वो कर देती हूँ, आप ना आप काइंडली वो हटा दें, रिमूव कर दें स्टोरी.
मैंने कहा सॉरी मैं वो कर नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। ज़ैनब नाम था, पता नहीं क्या नाम था। और स्टोरी तो वैसे भी 24 आवर्स में, मैंने कहा वो 24 आवर्स में रिमूव हो जाएगी, आप रहने देना, ये मेरी तसल्ली के लिए समझ लें। तो उन्होंने बस सॉरी सॉरी के जो मैसेजेस किए हुए थे ना, वो उन्होंने पब्लिकली लगा दिए, जिसपे लोगों ने मुझे बहुत हेट किया कि वो एक बंदी आपसे सॉरी कर रही है और आप जो है उसको उसकी बात नहीं सुन रही है, आपके अंदर इतनी अकड़ है, समझती क्या हो तुम खुद को और ये वो। खैर मैंने कहा मैं क्यों किसी को क्लियर करूँ, पहले तो मैंने ना स्टोरी बना के डाली कि वो जो वीडियो आप एक्सप्लेन वीडियो कर बनना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई ऐसा था उन्होंने ऐसे कहा था, और मैंने नीचे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है उनकी सारी बात चैट शेयर किए हुए, तो उस पर करके वो सारी चीजें हुई। फिर मैंने कहा बस आप बस, मैंने तकरीबन 6 घंटे में कहा बस, क्योंकि 6 घंटे में ही इतना ऐसे रिस्पॉन्स, उस लड़की के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। ओह यस, ये भी तो एक तरीका होता है। मैंने उसको टैग भी नहीं किया, मैंने उसको लिटरली टैग भी नहीं किया, उस लड़की के फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। ओह माय गॉड, मतलब कितने सारे लोग तो नेगेटिव साइड यूज करते हैं सोशल मीडिया के कि यार फॉलोअर्स बढ़े। मैं इतना हैरान, मैंने कहा क्यों, अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर से रिपोर्ट भी करवाती वो अगर टैग भी कर देती तो इसके तो यूं करके फॉलोअर्स, अच्छा लोगों की नेचर होती है वो जाकर पूरा अकाउंट चेक करते हैं, तो वो काम, वो बंदी नो डाउट अच्छी है। मेरी भाभी के साथ उन्होंने, किरत के साथ उन्होंने तकरीबन 1 वीक पहले काम किया था। ओके अच्छा, तो मुझे भाभी ने ही रिकमेंड किया था ये बंदी बहुत अच्छी है, नो डाउट वो अच्छी होगी, लेकिन उसने ये पर्सनल, मैंने कहा भाभी उसने क्या पता आपके लिए भी पर्सनल पे ऐसी चीज यूज की हो। You never know, वो तो आप तक स्क्रीनशॉट आ गया तो। वो तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया, मुझे उन्हीं के क्लोज फ्रेंड ने भेजा, तो खैर मैंने वहां पे फिर मैं बस हो गई। वहां पे मैंने फिर एक स्टोरी बनाई कि बस पिछली स्टोरी मैंने सारी डिलीट कर दी 6 घंटे पहले वाली। मैंने कहा मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं करना, आप लोगों से बस बहुत हो गई, आप लोग जिसको मतलब जो नेगेटिव होता है ना ज्यादातर आप लोग उसी को सपोर्ट करते हो। मैंने ये चीज, मैंने सोशल मीडिया पे तकरीबन यही चीज देखी है, 80% यही देखा है, नेगेटिव चीज को ऊपर किया जाता है, उसके ज्यादातर व्यूज भी आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, जा के देखना चाहते हैं और लोग उसको कहते हैं कि वो सही है। हाँ, मतलब जो डिफाइन ना, मतलब हमें भी डेफिनेशन देनी पड़ती है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम डिफाइन करेंगे तो ही हम सही हैं, अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब हम गलत हैं। लेकिन नहीं यार, वेरी बैड एक्सपीरियंस, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को वो रिस्पेक्ट अब तो माशाल्लाह दुनिया समझ चुकी है कि ये एक इंडस्ट्री है, सो ये आप किसी को ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आप अप्रोच ही ना करें। उन्होंने काफी एक्टर्स के साथ भी काम किया हुआ था, मुझे तो हैरत ही हो रही थी, जब आप उन्हीं की वजह से ग्रो कर रहे हो तो आप उन्हीं को आप अपने बिल्कुल आप प्राइवेट पे जाके उनको क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी इन लोगों की वजह से। और मैंने स्टोरी डालने का मकसद ये था, मेरे पास और भी, मैं एक्चुअली थोड़ी सी जो है ना साइट पे पीआर का भी वो देखती हूँ, ब्लॉगर्स का लाइक कैंपेन्स वगैरह अरेंज करवाती हूँ, तो ये वाला सीन है। तो मेरे पास काफी ब्लॉगर्स हैं लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, तो ऐसा है कि मैंने स्टोरी अगर डाली है ना तो मैंने सिर्फ उनके लिए डाली है कि अगर वो अगर कोई अगर मेरे साथ हो गया, अगर और कोई ब्लॉगर मैसेज करती है तो वो जरा ध्यान से मैसेज करे। सही बात है, वो ध्यान से मैसेज करे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट है, आपको पता है कि हम लोगों की छोटी सी भी चीज जो है ना लोग बहुत बड़ी बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, आपके सामने प्लशी है, इसकी दो साइज हैं, एक में वो खुश है और एक में वो खुश नहीं है, ये आपने गेम देखा है जी? ठीक है, मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नाम लूंगी और आपने बताना है कि उनका कॉन्टेंट अच्छा है या फिर उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है। पहला नाम है शताज खान, गुड ओके, अरीका हक, मिनाहिल मलिक, आजकल तो बहुत ओके, हफ्सा खान जी, इकरा फैसल सिस्टर, यस हाँ, हरीम शाह, मैंने देखा नहीं है इतना ओके, अरूप जतोई, निशु खान, नहीं मैं जानती, जरनाब फातिमा, हाँ लाइक, कशफ अंसारी, ऑलराइट। अब मैं आपसे पूछूंगी जेन जी लिंगो, और आपने बताना है कि इनका मतलब क्या हो सकता है या फिर इनका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, इसका बताना है आपने मुझे फुल फॉर्म, SMH कुछ भी, पहला बता देती हूँ, एस का मतलब शेकिंग,
एम का क्या मतलब हो सकता है? कुछ कुछ तो हो सकता है ना. एम का मतलब शेकिंग. कुछ बताएं ना आप, कोई कुछ कुछ एक्ट कर दें. इसमें एक्ट में कर नहीं सकती ना, अगर कर सकती तो मैं यूं कर देती, एक्ट करके दिखा देती. एस का मतलब शेकिंग, एम का मतलब ओके फाइन, चलो इस पे लेवरेज दे देते हैं. शेकिंग माय हेड, एस एम एच, ठीक है. अगला है टी टी वाई एल. टी टी वाई एल, हाँ ये मुश्किल क्यों पूछ रही है? तो बहुत आसान है. टी टी वाई एल क्या लग, अच्छा चलो मैं इसका भी पहला बता देती हूँ. टॉक. और हमारे पास अगला है FTW. F से four, T से I don't know. For the win. For the win. Win. अगला है FOMO. FOMO. क्या लगता है क्या मतलब होगा इसका? एनी वाइल्ड गेस? नो. ऑल राइट, इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. अगला है हमारे पास योलो. वाई ओ एल ओ. योलो. यू वाई गोज फॉर यू. वाई ओ एल ओ ना. यस. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. नहीं. यू ओनली लिव वंस. ठीक है जी, अगला है आपके पास, इसका मीनिंग आपने बताना है फ्लेक्स. 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 अच्छा. नहीं. और जबरदस्त. नहीं. नहीं. अच्छा मैं बताती हूँ. इतराना एटीट्यूड. नहीं नहीं नहीं. और करीब करीब ऐसे पहुंच गए हो. ये भी महंगा है, वो भी महंगा है. बिजनेस क्लास या बर्गर. नहीं 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 कर मतलब यार और कैसे समझाऊं मैं, क्या एक्ट करके दिखाऊं. हाँ ये मैंने वहां से लिया था ना. हाँ वहां गई थी ना एम्स्टरडम, वहां से लेके आई हूँ. या, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं उसको, दिमाग में आ गया है फ्लेक्स का क्या मतलब है. आपकी इस बात से आया है वो फ्लेक्स का क्या मतलब हुआ? नहीं जबान पे नहीं आ रहा. शो ऑफ. शो ऑफ. यस. अगला है हमारे पास NVM. NVM का आपने हमें फुल फॉर्म बताना है. NVM. चलो इसकी मैं एक्टिंग करके दिखा देती हूँ. नेवर. NV का हो गया नेवर. M का क्या हुआ? M. नहीं. M का फुल फॉर्म क्या हुआ? NVM. NV का हो गया नेवर. M का क्या हुआ? Mean. सर में क्या होता है? सर में क्या होता है? सर के अंदर क्या होता है? दिमाग होता है. दिमाग होता है. दिमाग को हम क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में? M से. हाँ. M से. हाँ. नहीं आ रहा. माइंड. नेवर माइंड. नेवर माइंड. ऑल राइट. अच्छा दरक्षा, इंडोर गेम्स में कैसे हो? खेलते हो फ्रेंड के साथ इंडोर गेम्स? खेलते हो? शादी से पहले खेलते थे? शादी से पहले खेलती थी. और उनमें अच्छे हो? हाँ बेहतर, बस मतलब एवरेज एवरेज. हाँ. आज हम आपके साथ एक गेम एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि आप जीतते हो या नहीं जीतते हो. क्या लगता है, गेम जीतने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर आपकी लक होना बड़ी जरूरी है? लक चाहिए गेम जीतने के लिए या स्ट्रैटेजी? दोनों चाहिए. दोनों चाहिए होते. ऑल राइट, आज पता चलेगा कि दरक्षा की स्ट्रैटेजी काम करती या फिर लक. क्या पता लक ही करेगी. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली. ऑल राइट पीपल, वी आर इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली विद दरक्षा. सो दरक्षा आपके साथ हम एक गेम खेलेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी का नाम है दिस ब्लोस. तो हमने करना क्या है, ये बलून हमारे पास है, ठीक है, हवा हमें इसमें भरनी है. उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि इसी हवा से हम ये सारे कप्स गिरा दें. जो सबसे पहले सारे कप्स गिरा देगा वो जीत जाएगा. ठीक है. आप कौन सा कलर चूज करना चाहेंगी, येलो या फिर ब्लू? ब्लू. ऑल राइट, हाथ में ले लीजिए. 3 2. अच्छा बाय द वे, इसमें फूंक आप एक ही दफा मार सकते हैं. ये नहीं कि फूंक 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 भर दिया सारा. ठीक है. 3 2 1 गो.
हिला ही नहीं। ये एक से दो गए हैं ना, एक से वेरी नाइस यार। मेरी लंग्स, मुझे लगा था आप जीतेंगी। नहीं, इतने आराम से नहीं जीती मैं। रक्षा बहुत अच्छा लगा आप आए, और सबसे बड़ी बात हमारे पास ज्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, किसी की शादी हुई हुई है, यू नो, किसी की कोई एक बेटी है, कोई एक बेटा है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह 4 साल की शादी, एक बेटी 4 साल की, फिर माशाल्लाह बेटा, ये सब मैनेज करना आसान नहीं है, और फिर इतना अच्छे भी दिखना है ना, ये भी मुश्किल काम है। अच्छा तो रक्षा, अपने सारे फैंस को क्या मैसेज दूंगी? यही मैसेज दूंगी कि भाई स्टे पॉजिटिव और खुश रहें, खुश रहने दें लोगों को भी, और लोगों की ज़िंदगी में टांग मत अड़ाएं और स्टे स्ट्रॉन्ग बस। ऑल राइट, अगर आपको दरक्षा का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाजमी इनको इनके सोशल मीडिया हैंडल पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और हमारे शो के हवाले से कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। टिल देन दिस वाज मी हिना अल्ताफ विद दरक्षा खान। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।